ओके तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आप कैसे करेंगे? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जो है वो लास्ट में सेंटेंस के रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आता है तो वो सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, तो एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसके भी रूल मैंने यहां पर लिख दिए हैं। इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी वॉज और वर वाली। ठीक है, वॉज और वर वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वर की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी इसमें और आईएनजी यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेंटेंस लिया है, इसको मैं अब चारों रूल्स के अकॉर्डिंग बनाने वाला हूं। तो वह खेल खेल रहा था, वह खेल खेल रहा था, तो एफर्मेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, तो बनाता हूं उसको। तो पहले कह रहा है एफर्मेटिव सेंटेंस की सब्जेक्ट रखो, तो पहले हमने सब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। फिर कह रहा है वाज और वर लगाओ, तो हमें पता है सिंपल टेंस मैंने आपको बताया था कि ही और के साथ, ही शीट के साथ हमेशा वॉज लगता है। ठीक है, तो वह खेल खेल रहा था तो ही वॉज। फिर कह रहा है वर्ब लगाइए, वर्ब क्या है? प्ले। ठीक है, खेलने को प्ले कहते हैं। कह रहा है आई एनजी भी लगाइए, तो आई एनजी लगा दिया हमने। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? गेम। ठीक है, गेम, तो ही वॉज प्लेइंग गेम। ठीक है, ही वॉज प्लेइंग गेम, ये कौन सा सेंटेंस है? ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव बनाना हो तो कैसे होगा? वह खेल नहीं खेल रहा था। ठीक है, वह खेल नहीं खेल रहा था, तो ही वॉज नॉट प्लेइंग गेम, ही वॉज नॉट प्लेइंग गेम। ठीक है, इंटरोगेटिव बनाना हो तो वॉज और वर्ब पहले आ जाता है। ठीक है, तो वॉज ही प्लेइंग गेम, वॉज ही प्लेइंग गेम, क्या वह खेल खेल रहा था। ठीक है, तो इसका ये हो गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो करना कुछ भी नहीं है, वॉज ही नॉट लगा दे बस आप यहां पर, और पूरा का पूरा सेंटेंस वही रिपीट कर देंगे। तो इस तरीके से वॉज ही नॉट प्लेइंग गेम। तो ये चारों के चारों टाइप के सेंटेंस मैंने आपको बता दिए, ये चारों के चारों रूल्स भी आपको बता दिए। इसे आप जो है कॉपी में नोट डाउन जरूर करें और कोशिश करें सेंटेंसेस को बनाने की। नहीं बनता है कोई भी सेंटेंसेस तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं जो है वहां पर भी आपको जो है रूल बता दूंगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे किसी भी टाइप के सवाल जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में।